हर हर महादेव दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपास ऑफिशियल 18। और इस वीडियो में हम बात करेंगे चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन, केदारनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन, जो बहुत टाइम से बहुत लोगों का एक ही क्वेश्चन था, भाई रजिस्ट्रेशन कब से खुल रहे हैं। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको अपडेट दे रहा था, भाई केदारनाथ यात्रा 15 अप्रैल 2024 यानी कि आज रात से बाबा केदार के चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे साथ कुछ छोटे छोटे बच्चे थे भाई, वो भी जाना चाहते हैं। तो आपका आपका नाम क्या है? समीर। और आपका? किस्मत। और भाई तेरा? हाँ। तो भाई ये लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे पार्क में, तो मैंने सोचा कि पार्क बेस्ट जगह होती है आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो आज रात 15 अप्रैल 2024 से चारधाम यात्रा केदारनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन खुल रहे हैं। तो सीधा आपको ले चलता हूँ उस कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ पे आपको सारी डिटेल सारा स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि भाई चारधाम यात्रा केदारनाथ यात्रा गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब 25 मई को खुल रहे हैं, बद्रीनाथ 12 मई को खुल रहे हैं, बाकी रेस्ट ऑफ जो है 10 मई को खुल रहे हैं। सुबह 7 बजे बाबा केदार के कपाट खुल जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाता हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो सीधा ले जाता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो रजिस्ट्रेशन करने के दो तरीके, एक होता है हमारा ऑफलाइन और दूसरा होता है हमारा ऑनलाइन। चलो ऑफलाइन की बात करते हैं। ऑफलाइन में आपको वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत लंबी लाइन होती है। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको ऑनलाइन ही कराना चाहिए रजिस्ट्रेशन। सो गाइज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि केदारनाथ यात्रा चारधाम यात्रा को रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, तो रजिस्टर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको registrationandtouristk.gov.in पे आपको साइन अप करना होगा। उसके बाद अपने आपको वहाँ पे रजिस्टर करना होगा, जैसे लाइक अपना नाम, मोबाइल नंबर, सेलेक्ट योर आइडेंटिटी, वेदर आप क्या आइडेंटिटी प्रूफ में देना चाहते हैं वो आप दीजिए। हाँ, वन मोर थिंग, आप टूर ऑपरेटर हो या फिर आप इंडिविजुअल हो तो एंटर योर पासवर्ड, देन उसके बाद कन्फर्म करिए, फिर साइन अप करिए। उसके बाद एक फॉर्म होगा, उसको फिल करके आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वो OTP डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंट सेक्शन, एंटर मोबाइल नंबर, पासवर्ड एंड कैप्चा, जो वहाँ पे कैप्चा होगा उसको आप उसको क्लिक करके साइन अप कर सकते हैं। उसके बाद एक आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा, उसके बाद क्लिक करिए क्रिएट मैनेज टूल में। वहाँ पे जाने के बाद आप सेलेक्ट करिए ऐड योर नेम, नंबर एंड यात्री, कितने यात्री जा रहे हैं, और सेलेक्ट जो अवेलेबल स्लॉट है वहाँ पे आपको दिख जाएगा कौन से डेट में हमें यात्रा करने को जो हमें स्लॉट मिल रहा है। तो वहाँ पे ऑलरेडी ग्रीन कलर का वो जो वहाँ पे ग्रीन कलर से एक बॉक्स बना होगा उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, दैट मीन्स कि वहाँ पे आपको अवेलेबल है स्लॉट, उसको आप उस डेट को आप बुक कर सकते हैं। मेक श्योर कि वहाँ पे देख लीजिए केदारनाथ के लिए बुक कर रहे हैं, यमुनोत्री के लिए, गंगोत्री के लिए या फिर हेमकुंड साहिब के लिए। तो स्पेसिफाई जो धाम है उसको आप पहले चेक कर लीजिए किसके लिए आप बुक करें, उसके बाद उस डेट को सिलेक्ट करिए। उसके बाद क्रिएट करिए अपना ग्रुप आईडी, रजिस्ट्रेशन विल बी यूज्ड, के बाद फिर करिए अपना क्रिएट ट्रिप आईडी, बाय RTO डिपार्टमेंट का होता है और कितने लोग जा रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। नाउ फिल द डिटेल्स रिक्वायर्ड, प्लीज़ एंटर द पेज, जो उस पेज पे एंटर करिए, उसके अपना फुल नेम, एज, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और ऑब्वियस बात है इंडिया से तो इंडिया डालिए, इंडिया से बाहर से लोग आ रहे तो अपनी कंट्री का रजिस्ट्रेशन एड्रेस डाल दिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कॉन्टैक्ट पर्सन। हाँ, वन मोर थिंग, वहाँ पे आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल सकते हैं, मेक श्योर आप उन्हीं का डालिए जो आपके साथ यात्रा नहीं कर रहे हैं, उन्हीं का ही कॉन्टैक्ट इमरजेंसी नंबर आप वहाँ पर डाल सकते हैं। आपका आप कैसे आ रहे हैं, अपनी गाड़ी से आ रही हैं या फिर कोई टैक्सी ली है, तो वहाँ पे भी आप प्राइवेट कार का ऑप्शन है, और ड्राइवर का डिटेल, नेम, आधार कार्ड, सारी चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। खुद ड्राइव करें तो सेम प्रोसेस होगा, इसमें भी अपना आईडी प्रूफ, कार का रजिस्ट्रेशन नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सारी चीज़ें आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यात्रा रजिस्ट्रेशन लेटर, यूनिक नंबर होगा, उसको क्लिक करिए डैशबोर्ड पे, मैनेज पिलग्रिम्स टूरिस्ट बटन पे क्लिक करिए, देन PDF, फाइनली आपकी यात्रा का जो पास है वो डाउनलोड हो जाएगा। और इसके साथ ही आपको SMS भी मिलेगा, ठीक है, तो SMS के थ्रू भी आप OTP मिलेगा, उससे भी आप अपनी यात्रा जो पास है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज ये था बहुत सिंपल स्टेप, और ये वीडियो उन लोग के लिए है जो 2024 में प्लान कर रहे हैं, और ये लोग उन लोग के लिए है जो लोग 2024 में बाबा केदार के दर्शन करना चाहते हैं। तो वीडियो में बने रही, और वीडियो जो मैं आपको एक डेमोंस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, बहुत सिंपल तरीके से हर कोई कर सकता है रजिस्ट्रेशन। अगर सपोज़ आपको रजिस्ट्रेशन करने में फिर भी दिक्कत हो रही है, तो गवर्नमेंट के बहुत सारे लिस्टेड सेंटर्स हैं जहाँ पर आप जाके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वहाँ पर आपको एक QR कोड मिलेगा, आपको रिस्ट बैंड में आपको एक बैंड मिलेगा जो अपने हाथ में आपको लगाना होगा, या फिर आप उस चीज़ को सॉफ्ट कॉपी भी अपने मोबाइल में रख सकते हो, जो वहाँ की जो पुलिस अथॉरिटी है उसको चेक करके आप अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हो। चीज़ और बोलनी थी मुझे,
जो घोड़ा खच्चर के जो रेट्स होते हैं ना, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वो प्रशासन की वहाँ जो वहाँ की प्रशासन वो डिसाइड करती है, और फिक्स रेट होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको रेट बताता हूँ। जो सोनप्रयाग से अगर बाबा केदार बेस कैंप तक जाओगे तो उसका सिंगल वे का पड़ता है 2500 रुपये। वही बात अगर आप गौरीकुंड से जाते हो तो आपको पड़ता है 2300 रुपये। अगर आप रिटर्न जर्नी कर रहे हो, वापस वहाँ से आना चाहते हो, तो आपको पड़ जाएगा 1700 रुपये। ये रेट्स पर पर्सन है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो मेक श्योर गाइज, आप घोड़ा खच्चर कहीं से भी आप बुक करोगे, चाहे सोनप्रयाग हो गया या फिर गौरीकुंड हो गया, तो हमेशा आप ये ध्यान में रखना जो गवर्नमेंट के जो लिस्टेड काउंटर्स है वहीं से आप इस सेवा को आप ले सकते हो। बिकॉज वहाँ पे लेने, वहाँ से आप लेने फ़ायदा क्या होगा, जो बेस्ट चीज़ क्या होगी, वो रेट ऑलरेडी पहले से फिक्स होंगे। वहाँ पर आपको रिसिप्ट मिलेगी, जो आपको जो जो भी घोड़ा खच्चर ले जाएगा आप उसको दिखाना होगा। और इसमें क्या है ना कि इसमें कोई मतलब कि बहुत मैं देखा है लास्ट टाइम भी कि बहुत रेट्स को लेके ना काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है। मतलब कि वो लोग अगर आप वहाँ के लिस्टेड काउंटर से बुक नहीं करते हो तो वो लोग क्या करते हैं, मनमानी करते हैं, वो उल्टा सीधा रेट आपसे लेंगे। तो हमेशा जो घोड़ा खच्चर कुछ भी पिट्ठू सेवा लो, कुछ भी सेवा लो, हमेशा लिस्टेड काउंटर से ही लो जो आपके लिए अच्छा होगा। तो आप जाके रजिस्ट्रेशन कराएं, और जो मैंने वीडियो दिखाया, डेमोंस्ट्रेशन दिखाया, रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, ये आपको वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको रजिस्ट्रेशन कराने फिर भी दिक्कत होती है तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर हर जगह खुले हुए लिस्टेड है, वो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पे आप देख के जाके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। और कुछ लोगों का कहना ये भी था कि हम जो कपाट के आसपास जाके रजिस्ट्रेशन होता है मंदिर के आसपास, ऐसा कुछ नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन सोनप्रयाग या फिर गौरीकुंड में ही कराना होगा, ऊपर जाके कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, और विदाउट रजिस्ट्रेशन आप यात्रा नहीं कर सकते हो। तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल कंपास ऑफिशियल 18। और कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट से, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा। और ये वीडियो उन लोग को शेयर करो 2024 जो प्लान कर रहे हैं चारधाम यात्रा, केदारनाथ यात्रा, हेमकुंड साहिब, उन फ्रेंड को शेयर करो, उन फैमिली को शेयर करो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मिलता हूँ अलग लोकेशन के साथ, अलग वीडियो के साथ। तो बोलो मेरे साथ, हर हर महादेव।